जूडा डॉक्टर्स और सरकार आमने सामने, हाईकोर्ट का आदेश दरकिनार। बीते चार दिनों से जूनियर डॉक्टर्स एसोसिएशन जूडा डॉक्टर्स व मध्य प्रदेश सरकार आमने सामने हो गए हैं, जहां बीते चार दिनों से जूडा डॉक्टरों ने मध्य प्रदेश में अपनी विभिन्न मांगों को लेकर हड़ताल कर रहे हैं। वहीं आज हाईकोर्ट में लगी जनहित याचिका में हाईकोर्ट ने जूनियर डॉक्टर्स को फटकार लगाते हुए 24 घंटे का अल्टीमेटम देकर काम कर वापस लौटने के आदेश जारी किए। साथ ही राज्य सरकार को आदेश दिए कि अगर जूनियर डॉक्टर्स काम पर नहीं लौटते हैं तो उनके विरुद्ध सख्त कार्यवाही करें। हाईकोर्ट ने कहा कि इस विषम परिस्थितियों में जहां कोरोना काल में सबसे ज्यादा जरूरत डॉक्टर्स की है, ऐसे में डॉक्टर्स द्वारा इस प्रकार की हठधर्मिता कतई उचित नहीं है, जबकि राज्य सरकार की ओर से उनकी मांगे मान ली गयी। जैसे कि राज्य सरकार द्वारा कोर्ट में बताया गया है, हाईकोर्ट के फैसले के बाद जूनियर्स डॉक्टर्स एसोसिएशन मध्य प्रदेश के डॉक्टरों ने दिया सामूहिक इस्तीफा। वहीं हाईकोर्ट की फटकार और आदेश के बाद जूनियर डॉक्टर्स ने मध्य प्रदेश के सभी मेडिकल अस्पतालों में डीन को सामूहिक इस्तीफा दे दिया और हाईकोर्ट के आदेशों को न मानते हुए हड़ताल जारी रखने की बात पर अड़िग रहने की बात कही। वहीं जबलपुर जूडा डॉक्टर्स ने कहा कि मध्य प्रदेश सरकार द्वारा हमारी मांगे नहीं मानी गयी और जनहित याचिका में सरकार द्वारा हाईकोर्ट को गुमराह कर मांगे मानने की बात कहकर झूठ बोला गया, जबकि आज ही स्टाफ फंड की राशि उनके अकाउंट में आई, जो सरकार ने पुराने स्टाफ फंड के अनुसार 57,000 रुपए दिए गए, जबकि हाईकोर्ट में कहा गया कि जूडा को स्टाफ फंड बढ़ाकर 70,000 दिया जा रहा है, जो सरासर सरकार झूठ बोल रही है। वहीं अन्य मांगे भी राज्य सरकार लिखित में नहीं दे रही है, न ही किसी प्रकार की मीटिंग करने को तैयार है, जिसको लेकर जबलपुर के सभी 120 जूनियर डॉक्टर्स ने इस्तीफा दे दिया है। वहीं कल से सीनियर रेजिडेंसी डॉक्टर्स द्वारा भी जूडा का समर्थन किया जाएगा। बहरहाल एक तरफ मध्य प्रदेश सरकार का कहना कि जूडा की सभी मांगे मान ली गई हैं एवं हाईकोर्ट ने भी 24 घंटे में जूडा को काम पर लौटने की बात कही है, अब इस्तीफा देने से सरकार और जूडा डॉक्टर्स की लड़ाई आमने सामने की हो गई है और अब राज्य सरकार क्या निर्णय लेती है या देखने वाली बात होगी। लेकिन इन दोनों के बीच इस भीषण कोरोना महामारी के दौरान आम जनमानस की परवाह और इलाज के लिए भटकते मरीज की पुकार कौन सुनेगा। सामूहिक इस्तीफे की जो बात सामने आई, सामूहिक इस्तीफा हम लोगों ने यहाँ पर जबलपुर मेडिकल कॉलेज के सारे जूनियर डॉक्टर्स ने, सारे जूनियर डॉक्टर्स ने इस्तीफा दिया है। टोटल 350 डॉक्टर प्रेजिडेंट डॉक्टर ने आज अपना सामूहिक इस्तीफा यहाँ पर दिया। आज कोर्ट में एक PIL लगी थी अगेंस्ट हमारी स्ट्राइक के, तो उसमें कोर्ट ने जजमेंट दिया है कि 24 घंटे का एक हमें टाइम दिया गया है, जिसके बाद सरकार हमारी तरफ एक्शन ले सकती है। सरकार अभी भी हमारी इतनी स्ट्राइक के बाद भी हमारी तरफ कुछ ध्यान नहीं दे रही है, ना ही हमसे कुछ मीटिंग करने के लिए रेडी है और उसकी तरफ से कोई भी हमारे लिए सकारात्मक पहलू या सकारात्मक कदम उठाया नहीं है। इसको देखते हुए हम लोग अपनी स्ट्राइक कॉल ऑफ नहीं कर रहे हैं और अपनी स्ट्राइक हम कंटिन्यू करेंगे और कोशिश यही करेंगे कि हम सांकेतिक प्रदर्शन चालू रखें और कुछ भी इसमें जो है किसी भी तरीके से हम अवरोध पैदा ना करें। परंतु अगर सरकार हमारी बातें नहीं सुनती है तो कल से हमारे जो सीनियर रेजिडेंट्स हैं और जूनियर रेजिडेंट हैं वो लोग भी हमें स्ट्राइक में ज्वाइन करेंगे और कल से वो भी सब हड़ताल पर। अभी मेडिकल डीन से आपकी कुछ बातचीत हुई, इस्तीफा आपने सौंपा तो उन्होंने क्या कुछ बोला आपसे? उन्होंने हमें उसी चीजों के बारे में पूछा कि आगे के स्टेप्स क्या हैं, क्योंकि हमने अपना सामूहिक इस्तीफा दिया है, क्योंकि सरकार हमारी तरफ कुछ भी ध्यान नहीं दे रही है तो ऑब्वियसली हमें उसके लिए कुछ स्टेप तो उठाना है। उन्होंने हमारे सारे जूनियर डॉक्टर के रजिस्ट्रेशन कैंसिल किए हैं, जो कि हमारा एक एडमिशन प्रोसीजर है, हमें वो यहाँ पे एनरोलमेंट हमारा कैंसिल करके ये दिखाना चाहते हैं कि हम डर जाएंगे, लेकिन हम किसी से डरने वाले नहीं हैं, क्योंकि हमने कुछ गलत नहीं किया। हमने वही चीजें मांगे और रखी हैं, बार बार रखी हैं, परंतु उन्होंने वादा किया लेकिन हम उस पर कोई ध्यान नहीं दिया ना रिटर्न ऑर्डर दिया। आज भी हमारी उनसे यही मांग है कि आप एक लिखित आदेश जारी कर दीजिए, हम अभी कॉल ऑफ कर देंगे, बट आज भी वो कोई लिखित आदेश नहीं दे रहे हैं और वो बोल रहे हैं कि वो हमें 60,000-70,000 स्टाइपेंड दे रहे हैं। आज कोर्ट में भी उन्होंने यही बोला, उनकी तरफ से लॉयर ने यही स्टेटमेंट दिया कि सारी डिमांड पूरी हो गई है, आज सारे जूनियर डॉक्टर के अकाउंट में सैलरी आई है लेकिन वो पुरानी सैलरी जितनी हमें पहले दी जाती थी 57,000 रुपये ही, सभी के अकाउंट में 57,000 रुपये क्रेडिट हुआ है। सरकार किस तरीके से बेवकूफ बना रही है जनता को, डॉक्टर्स को, प्रशासन को, सभी को, वो सामने है। अगर उन्होंने स्टाइपेंड बढ़ाई है तो कहाँ है वो? ना तो कोई इसका आदेश है, ना वो हमारे अकाउंट में, तो या तो वो सरकार के अकाउंट में है तो उनका अकाउंट देखा जाए कि एक्स्ट्रा जो 14,000 है कहीं उनके अकाउंट में तो नहीं चला गया है। हमको 57 दिया तो बचा हुआ कहाँ गया? ये सरकार बोल रही है कि दिया है तो बीच में किसने खाया? या तो आप वो पता करें, या तो आप झूठ बोल रहे हैं, तो झूठ बोल रहे हैं तो उसको माने, पब्लिक के सामने झूठ ना बोले। और हमें जो डॉक्टर
देश भर में काम कर रहे हैं साल भर से, उन्हें झूठा साबित न करें और उनके लिए जितना बनता है उतना किया जाए, हमारी बस यही डिमांड है। नमस्ते डॉक्टर प्रदीप जी। सर अभी आज माननीय जा रहे हैं डॉक्टर को कहा है कि चौबीस घंटे के अंदर अपने हस्पताल वापस आ जाए। उसके बाद जूनियर डॉक्टर ने एक सामूहिक रूप से एक इस्तीफा मेरे को दिया हुआ है जिसमें कि अपना इस्तीफा सौंपा है और सभी लोगों को उसमें हस्ताक्षर है। सीनियर रेसिडेंट और जूनियर रेसिडेंट जिनकी संख्या लगभग 110 के आसपास है, उनके द्वारा भी कल से हड़ताल जाने के लिए एक नोटिस मैंने दिया क्योंकि इनके समर्थन में हड़ताल किया। अपने आसपास की हर छोटी बड़ी खबर देखने के लिए हमारे चैनल पुलिस ब्यूरोक्रेट्स न्यूज को बेल आइकन दबाकर सब्सक्राइब करें जिससे आपको हर खबर समय से मिलती रहे। अधिक जानकारी के लिए हमसे संपर्क करें, हमारे कॉन्टैक्ट नंबर हैं 9039011886 एवं 9770229999।